चीफ राज ठाकरे ने अयोध्या दौरे को लेकर ऐलान किया, जिसके बाद सियासी सरगर्मियां बढ़ गई। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रिजभूषण ने ये दावा किया कि राज ठाकरे ने एक वक्त पर महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों का अपमान किया था और उत्तर भारतीयों से माफी मांगे बिना राज ठाकरे अयोध्या तो छोड़िए उत्तर प्रदेश की जमीन पर भी पैर नहीं रख सकते। राज ठाकरे को अंत में अपना अयोध्या दौरा स्थगित करना पड़ा। हालांकि आदित्य ठाकरे ने अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन भी किए। राज ठाकरे अयोध्या भले ही ना जा पाए हों, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करने का ऐलान कर दिया है। मुंबई महानगर रीजन में रहने वाले उत्तर भारतीयों से मुलाकात के दौरान एकनाथ शिंदे ने ये जानकारी दी। शिंदे ने कहा, उत्तर भारतीय समाज हमेशा मेरे लिए खड़ा रहा और आज भी जब मैं मुख्यमंत्री बन गया तो ये समाज मेरे साथ खड़ा है। आगे आने वाले दिनों में मैं इस समाज के लिए कुछ विशेष जरूर करूंगा। इस कड़ी में एकनाथ शिंदे ने कहा, मैं बतौर मुख्यमंत्री उत्तर भारतीय समाज के राजनीतिक व सामाजिक विकास के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मैं चाहता हूं भविष्य में मेरे साथ उत्तर भारतीय विधायक हो। जल्द ही मैं श्री रामलला के दर्शन करने अयोध्या जाऊंगा। इस मौके पर नगर सेवक विक्रम प्रताप सिंह ने कहा, उत्तर भारतीय समाज मुख्यमंत्री शिंदे के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। शिंदे के प्रति समर्थन जताते हुए बहुत सारे और लोग आना चाहते थे, लेकिन हमारी सीमा है। आपको बता दें, एकनाथ शिंदे उत्तर भारतीय के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए और हिंदुत्व को लेकर अपना एजेंडा दिखाने के लिए राज ठाकरे के खिलाफ अयोध्या दौरे का ऐलान कर चुके हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।